देखिए मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही, लेकिन इस मुल्क की प्रॉब्लम यह है कि ये अपने डोनर्स पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि जो कुछ वो कहते हैं ये बेचारे दुम मरोड़ कर इनसे एंठवा के करवा लिया जाता है। एक चीन पे डिपेंडेंट है, चीन ने बोला लगाओ फौजें गिलगित बाल्टिस्तान में, तो ये दौड़े दौड़े गए हैं वहां, अपना स्कर्दू एयरबेस दे दिया है। अभी तक इनका आका था सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया इनसे तंग आ चुका है, उसने इनको जो फ्री का ऑयल मिलना था वो बंद कर, सुन लीजिए चिल्लाइए मत बीच में, इनकी जरा वॉइस डाउन करिए। हाँ देखिए, जो सऊदी अरेबिया इनका पहले आका होते थे, उन्होंने अब बिल्कुल परेशान हो गए इनसे, और इनको जो फ्री का ऑयल 1 बिलियन का मिलता था वो बंद कर दिया है, बड़ी परेशानी में है। तब से ये तुर्की के तलवे चाटने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल, और तुर्की ने एक आदेश दिया, इशारा किया कि अपने टेररिस्ट भेजो, कोई 3,000 टेररिस्ट ये पहुंचा चुके हैं आर्मेनिया अज़रबैजान के युद्ध में, अपना देश संभाल नहीं रहा, दुनिया भर का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, दुनिया भर का ठेका। हाँ, जहां लड़ाई होगी ये कूदेंगे, जहां लड़ाई होगी ये कूदेंगे, ये अपना जौहर दिखाएंगे, क्योंकि सस्ते में इनकी जान है, 2% के लोग इनको मिल जाते हैं बेचारे, बड़े सस्ते घटिया प्राइस पे टेररिस्ट आप खरीद लेते हैं, बिल्कुल, और उनको जहां जहां मर्जी चाहे झोंक देते हैं, रोते रहते हैं उनके परिवार, उनको बिल्कुल। बख्शी साहब जरा जवाब ले लेते हैं, गफ्फारी साहब बोलिए, सऊदी अरब ने धिक्कारा तो तुर्की का सहारा पाकिस्तान को। समीर अब्बास, 30,000 यानी कि दहशतगर्द हम बना सकते हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी कैसे कोलैप्स कर गई यार? जीडी बख्शी साहब को ये तो समझाएं, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो 30,000 गधे और ह्यूमन गधे बेच रहे हैं लड़ने को, और गधे आपके पास है, गधे आप बेचते हैं, गधे आप फंड करते हैं, हम नहीं करते। वो जो गधे आपने फंड किया था ना पाकिस्तान में, 80,000 लाशें हमने उठाई है आपके गधों की वजह से, आप फंडेड हैं, आप फंड करते हैं टके टकू में, हमारे टकू में नहीं मिलते और ना ही हम टकू में खरीदते हैं। ये दहशतगर्दी जो आपकी फैलाई खत्म करेंगे, और आपकी खरीदते कुछ वो भी नहीं होगा तो आपकी दहशतगर्दी नहीं रहेगी और आपकी गुंडाबाजी नहीं रहेगी। आप बताएं इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का किरदार क्या है, इंडिया का किरदार एक बहुत जिम्मेवार किरदार है, आपके जैसे गैर जिम्मेदार नहीं करते। आप जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, इनका गैर जिम्मेदार नाकाम मुल्क जिम्मेदारी क्या समझेगा, ये जानते ही नहीं जिम्मेदारी क्या होती। इनका तो काम है दहशतगर्द भेजना, आग में घी डालना, गफ्फारी साहब यही हसीयत है आपकी। मैं आपको एक मौका दूंगा, एक मिनट और मौका दूंगा आपको, हम 30,000 दहशतगर्द भेज सकते हैं। नहीं तो ये बताइए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। सऊदी अरब से आप धिक्कारे गए तो आप तुर्की के सहारे हैं, जो तुर्की कहेगा वो आपका करना मजबूरी है, इसीलिए तो जा रहे हैं ना जंग के मैदान में, इसीलिए तो भेज रहे हैं दहशतगर्द। हमें कोई जरूरत नहीं है 4,000 किलोमीटर सफर करके दहशतगर्द भेजने की, अगर वो मांगेंगे तो हम मिलिट्री भेजेंगे, और मिलिट्री तैयार खड़ी है, वो तो आपके लिए भी तैयार खड़ी है, और इंशाल्लाह वो वक्त नहीं दूर। रिटायर्ड मिलिट्री के लोग जा रहे हैं, बिल्कुल रिटायर्ड मिलिट्री के लोग जा रहे हैं, ये असलियत है, और इससे वाकिफ भी है गफ्फारी साहब, लेकिन मानेंगे नहीं यहाँ बैठकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।